कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान रिवीजन टेस्ट पेपर का पूरा आंसर शीट की कॉपी लेकर के आया हूँ आपके लिए। मैं आपकी मांग पर है ना, देखिए ये पूरा है ना, ये क्वेश्चन पेपर ये जल का मोलर द्रव्यमान इसका पूरा लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वन का यहाँ पर उत्तर आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं। क्वेश्चन टू का उत्तर आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं। बाकी विकल्प मैंने बता चुका था आपको, मैंने मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, देखिए कितनी अच्छी राइटिंग है ना। आपको भी पेपर में इसी प्रकार से लिख करके आना है, इस प्रकार से क्वेश्चन चार ये है ना। बाकी मैंने विकल्प के पहले बना चुका हूँ वीडियो है ना। ये दोस्तों मुझे आप लोगों ने बहुत कमेंट करे, कम से कम मुझे 1000 कमेंट आई है, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ है ना। बस आप इसी प्रकार 11 क्लास की केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो है ना। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, रात में आपके लिए वीडियो पहुँचाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। और केमिस्ट्री पढ़ना है पूरी की पूरी, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप लोग के लिए अपलोडेड है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिए। ये है ना प्रश्न क्रमांक 7 का, ये है ना, ये पूरा हल है, ये लुईस बिंदु संरचना पूरा है ना, पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। बस आप अच्छे से बस पढ़ना है इसको, अच्छे से देना है आपको पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है आपके, ये देखो पूरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, पूरा ए टू जेड जो क्वेश्चन नहीं, जो पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जो क्वेश्चन छूटे मैं आपको अभी बुक से बता दूंगा, बुक होगी आपके पास तो बुक में थोड़ा है ना मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पूरा मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा मिल जाएगा यहाँ पर आपको। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था का छूट गया है वो आपको मिल जाएगा। वैसे पहले आप जो है वो देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, और ये इतना है ना, ये और कहाँ है, कौन सा छूटा है इसमें, बस लाइन से ऊपर खींची की छूटे हैं। हाँ तो इसमें मिल रहा है, नहीं ये 14 मिल जाएगा, ये 15 से इतने बस रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेगा ना। चलो देखो आपके तो कुछ क्वेश्चन पहले ज्यादा रह गया है ना, 14 से संयोजी बंद का उदाहरण है ना। देखिए से संयोजी बंद आपका ये अध्याय 4 में से संयोजी बंद, ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, से संयोजी बंद वाला, दो परमाणु से संयोजी बंद, कौन सा क्वेश्चन है ये, प्रश्न क्रमांक 14 से संयोजी बंद का उदाहरण दीजिए, ये इसका उत्तर है ना। दो परमाणुओं के मध्य है ना इलेक्ट्रॉन द्वारा साझे बना बंद से संयोजी बंद कहलाता है, आपको यहाँ से इतना पूरा लिखना है। ये तीन नियम आपको यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक, ये स्क्रीन है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको एक उदाहरण जे लिख देना है, इतना बस लिख देना है, और दो उदाहरण आपको ये लिख देना है, और तीसरा उदाहरण आपको जे लिख देना है, बस इतना कर देना है, आपका नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम उनके यौगिक बुनसन ज्वाला में अविलक्षणिक रंग प्रदान नहीं करते, बेरिलियम और मैग्नीशियम, अध्याय 10 का क्वेश्चन ही है, अध्याय 10 यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिलियम और मैग्नीशियम का। बुनसन ज्वाला परीक्षण का थोड़ा अभी बता रहा हूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन बेरिलियम और मैग्नीशियम तो ये है ना, ये है यहाँ पर आपका इसका उत्तर। देखो ये ज्वाला परीक्षण इसका उत्तर जी है ना, क्या है आपका यहाँ पर, बेरिलियम और मैग्नीशियम बुनसन ज्वाला अभिलक्षण परीक्षण नहीं देते, इस प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ये ज्वाला परीक्षण है ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार छोटा होता है और आयन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण उच्च कक्षा में नहीं पहुंच पाते, इसका उत्तर आपको जहां से लेकर के पूरा छारी से लेकर के यहां देते हैं तक लिखना है ना। पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, इसको मैंने समझाया भी हूं, पूरी केमिस्ट्री फ्री मिल रही है आपको चैनल पर, सब्सक्राइब करो उसको। अगला यहां पर क्या है देखो, अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वांटम संख्या कहने कहते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। क्वांटम संख्या अध्याय 2 का है आपका यहां पर, क्वांटम संख्या अध्याय 2
अच्छा अध्याय दो कहाँ गया आपका? क्वांटम संख्या दिख रहा है, कहाँ है क्वांटम संख्या? क्वांटम संख्या, ये देखो क्वांटम संख्या ही है ना, ये क्वांटम संख्या है आपकी। देखो कौन सा प्रश्न क्रमांक 16, क्वांटम संख्या किन्हें कहते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए अथवा एसपीडी कक्षक की आकृति बनाइए। देखो सबसे अच्छा आप एसपीडी कक्षक की आकृति बना लो, जो होता है आपका एक्स कक्षक एस, अथवा कर लेना इसका एसपीडी कक्षक की आकृति बनाइए अथवा एस कक्षक की आकृति, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिख देना, एस कक्षक से लेकर पाया जाता है तक लिख देना, ये आकृति बना लेना। अगला तुम्हारा पी कक्षक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिख देना और इतनी आकृति, इतना चित्र बना लेना, बहुत सरल चित्र बन जाएंगे आराम से। अगला है डी कक्षक की आकृति, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख लेना है, है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको इतनी आकृति आपको यहाँ पर बनाना है, ये हो गया आपका हल, है ना। अगला यहाँ पर क्या है, अगला क्षार धातु के द्रव अमोनियम में विलयता को समझाइए, ये आप ढूंढ के लिख लेना।